कि हमारे देश में कोई आतंकी देश आकर के उंगली उठाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को उठाए, हम उसके लिए मर जाएंगे। हम सीधी सभा बात है, रावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो के कता तलुकी कता कलामी हुई, उसके बाद इंडिया के मुसलमानों का एक रिएक्शन आया गाइस। इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर मदरलैंड, माय एडवाइस टू बिलावल भुट्टो, डोंट एवर कंपेयर ग्रेट कंट्री इंडिया विद हिज अनस्टेबल कंट्री। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, मेरा नाम है मोहित माथुर, जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई टिप्पणी कर दी है, जिससे हिंदुस्तान का मुसलमान काफी क्रोधित हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या उन्होंने पाकिस्तान को रिप्लाई किया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुसलमान भी कहते थे भी हेट पाकिस्तान, उनकी बात बिल्कुल इंडियन मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आई बिलावल भुट्टो की। तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि भी हेट पाकिस्तान, उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा, हमारे देश में आके वो टिप्पणी ना करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर उन्होंने शब्द कहे तो भारत का मुसलमान और भारतवासी उनको मुंह तोड़। धर के माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे जा रहा है, रॉकस्टार वहाँ पे जा रहा है, अमेजोन वहाँ पे आपके सामने इतना ज्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पे पाकिस्तान में गया, हमारे यहाँ पे अमेजोन के 13 लाख अकाउंट बैन होते हैं। हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, मुर्दाबाद। एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई। एवरी मुस्लिम of India feel proud to be an Indian। जय रावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो के कता तलुकी कता कलामी हुई, उसके बाद इंडिया के मुसलमानों का एक रिएक्शन आया गाइस। इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको वीडियो दिखाऊंगा जो कि इंडिया के मुसलमानों की तरफ से वीडियो एक वायरल हो रही है यूट्यूब के अंदर, वो वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या दोनों मुल्कों के इतने बड़े बड़े जो के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको इस किस्म का रवैया अख्तियार करना चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत अंगेज नफरत फैलानी चाहिए। उसके बाद जो रद्द अमल आया, एक वीडियो आई है इंडिया से, इंडिया में जो मुसलमान मौजूद हैं वो कहते हैं कि भाई आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखे जरा इसको आप कैसे देखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा। समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी खत्म करके अवाम के लिए सोचना चाहिए, हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं, हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सलूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक एंड पे हों और मईशत हमारी बेहतर हो। इंडियन जो मुसलमान है वो इंडिया को सपोर्ट करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक करें। सर हम डेवलप नहीं हो पा रहे, इंडिया की अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वर्ल्ड की 5th तो बनी हुई है, तो हमारी इकोनॉमी के बुरे हालात है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जी वही बेसिक जो बात पहले हो चुकी हुई है, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था या स्पेशली जो हमारे जिहादी फैक्टर था उसमें हमारी मईशत ख़राब हुई है, तो हम अभी भी उसको रोल बैक उसको बैक साइड पे आएँ और अपनी मईशत पे तवज्जो दें तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं। देखिए It doesn't matter what what Bilawal Bhutto believes or what he thinks is right and what he thinks is not right. But the fact is, ek manners hoti hai, ek lehza hota hai bolne ka. Ye Pakistan Parliament to tha nahi, ye United Nations platform tha. Wahan pe jaake is tarah se kisi aur country ke prime minister ke baare mein baat kar. I mean, wo hame as Indian Muslims kuch to dignity de deta Bilawal Bhutto. कि क्या हम बेवकूफ हैं कि अगर वो सचमुच अगर बुचर होता ऑफ मुस्लिम्स तो क्या उनको इतने वोट से हम जिता रहे होते? आपको क्या दो टर्म्स जीते हैं बैक टू बैक, उसमें मुस्लिम वोट्स नहीं होंगे और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स उनको गुजरात से ही आते हैं, तो क्या आर गुजराती मुस्लिम जॉम्बीज के उनको नहीं पता कि ये बुचर है और वहां पर बैठे बिलावल भुट्टो को पता है? एंड हु इज बिलावल भुट्टो? कौन से टेररिज्म की वो कौन से टेररिज्म को जुटलाने की बात कर रहा है? वो ही था ना जिसका जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर 1000 ईयर्स की वॉर करने, 8 ईयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। अच्छा फिर उनकी मदर, शी इज द वन जिन्होंने ये वेनम इंजेक्ट किया कश्मीरी यूथ में, उनको कंफ्यूज करके रख दिया, उनको टेररिस्ट कहा, मतलब इनडायरेक्टली बाय कॉलिंग, बिकॉज पाकिस्तान ने वर्ल्ड मुजाहिद को इस कदर
इरोड करके रखा है, डिग्रेड करके रखा है. द वर्ड मुजाहिद इज अ वेरी प्योर वर्ड, बट देखो पाकिस्तान ने उसको कैसे यूज किया, मुजाहिद. ओके और कश्मीरियों को मुजाहिद बोल के, लिटरली शी वॉज द वन, उनकी माँ थी, हु स्पार्क्ड दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इन हर तकरीर. एंड जब भी मैं, आई एम सॉरी टू से, बट उनको कितनी, उनकी माँ को कितनी कश्मीरी माओं की बदुआ लगी होगी, क्योंकि उनकी बातों की वजह से कितने कश्मीरी नौजवान बहक गए और उन्होंने गन्स उठा ली, पेंस छोड़ के गन्स उठा ली. तो आप समझ सकते हैं इन दिस सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच वर्ड्स जिससे दो नेशंस के बीच जो पुराने जो जख्म थे वो भर जाएं, इंस्टेड ऑफ दैट उसके बदले में उन्होंने क्या किया, और जख्म खुरे दे इस तरह की बातें करके. देखिए किसी भी नेशन की बात कीजिए, आखिर एंड ऑफ द डे अगर मोदी जी के ऑपोजिशन भी यहाँ पे कोई है, एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू लाइक कि हमारी देश की गरिमा, हमारी देश की इज्जत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले इंटरनेशनली, हु इज गोइंग टू लाइक इट? नोबडी विल लाइक इट, नॉट अ सिंगल. वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वी अस यू नो अस मुस्लिम्स, वेदर वी आर इन पाकिस्तान और वेदर वी आर इन इंडिया, वी आर टेररिस्ट. ही कैन नॉट अस हिमसेल्फ इनटू अस बाय जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ही डजंट बिकम वन ऑफ अस. एक इंडियन मुस्लिम बनने के लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, जो जो इंडियन मुस्लिम्स ने जो सैक्रिफाइस दिए हैं आज तक टू बी कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स, दे डिड नॉट कन्वीनियंटली गो टू द अदर साइड जब पार्टीशन हुआ था. दे हैड फेथ ऑन देयर हिंदू ब्रदर्स, दे स्टिल हैव फेथ इन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे स्टिल हैव फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नो मैटर वॉट, वो मर जाएंगे लेकिन खुद को गद्दार नहीं कहलवाएंगे. इवन आपको याद होगा शाहीन बाग के मुसलमान भी कहते थे वी हेट पाकिस्तान. So to be an Indian Muslim, it is essential that you hate Pakistan. I'm sorry about that. जब तक पाकिस्तान does not take some steps के अपनी तरफ से इंडिया के बारे में इज्जत से बात करे और इंडियन हुकूमत के बारे में इज्जत से बात करना शुरू नहीं करती पाकिस्तानी हुकूमत, तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि we hate Pakistan. And this is quite bad because we are neighbors and we should not be hating each other. But what I'm trying to say is, why is he saying के we us, why is he including himself in us? He should not. He is not one of us. If he wants to be one of us, he has to hate Pakistan. Can he do that? He can't do that. So then he should not talk.